हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 लेसन 4 द लिटिल प्लांट। तो आइए बच्चों, आए अपन इसके क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पर हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो आइए अपन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, बेक सेट द ऑप्शन है लाइट ब्राइट सनशाइन प्लांट, तो आप लिखिए सी सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी ऑप्शन ए अमेजिंग, बी ब्यूटीफुल, सी वंडरफुल, डी अरेक्टिव, तो आप इसका आंसर लिखिए सी वंडरफुल। अब देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन टू वर्ड, मतलब एक या दो शब्दों में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पोस्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, तो आप इसकी पास्ट फॉर्म लिखिए सैड। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट, फास्ट का अपोजिट क्या होगा बच्चों, स्लो। क्वेश्चन 5, हु आस्क द लिटिल प्लांट इन कम आउटसाइड, तो इसका आंसर लिखिए आप सेट द सनशाइन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट, आंसर में आप लिखिए ब्राइट, लाइट का क्या होगा ब्राइट। अब देखिए शॉर्ट आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, द लिटिल प्लांट व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हेयर, तो आंसर में आप लिखिए द लिटिल प्लांट हेयर बेक। क्वेश्चन 8, वेयर द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब यहाँ कुछ शब्द दिए इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है अपन को, जैसे लीव का लीव्स, बेबी का बेबीज और बुश का बुशेज। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू, आंसर में आप लिखिए इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। 10वां वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट डिड द सनशाइन से, आंसर में लिखिए बेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन 11, रिरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस फार से, आंसर में ये यहाँ पे अपन को क्रम से जमाना है, तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको अपन को अरेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप देखिए, इन द हार्ट ऑफ ए सीड, इसी तरीके से बी वाले में लिख दिया है मैंने ए लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप, और तीसरे वाले में देखिए सी वाले में द क्रीप टू द लाइट। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा वाला है द लिटिल प्लांट हार्ट, तो इनको क्रम से जमा दिया है अपन ने। अब क्वेश्चन 12 देखिए, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए ट्री एंड राइट फोर सेंटेंस अबाउट, मतलब आपको यहाँ पे ये जगह दी हुई है, इसमें एक पेड़ का चित्र बनाना है, उसके ऊपर अपन को 5 लाइन लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दी है, थ्री इन वेरी यूजफुल टू अस, ट्री गिव अस फ्रूट टू ईट, ट्री गिव अस कूल एंड फ्रेश एयर, ट्री कोर्स ट्री केस रेनफॉल थ्रो, दे रिफ्रेश अवर आइज एंड अवर माइंड, मतलब पेड़ हमें क्या क्या कैसे लगते हैं, क्या होता है, ये सब मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया है। जैसे थ्री इज वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होते हैं ट्री, ट्री गिव फ्रूट एंड ईट, हमें पेड़ फल और खाने को साग सब्जी देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, खुली हवा देते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आपका ये वीडियो पूरा हो गया है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।